बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। जी हाँ, आपको बता दें, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर चर्चा में आ गई। इस बार उन्होंने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट किया कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। ट्वीट के बाद साध्वी प्रज्ञा ने नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। कमलेश तिवारी का जिक्र करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जो कहा उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं शायद इस बात से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो। यह भी सत्य है कि वहाँ ज्ञानवापी शिव मंदिर था और रहेगा। उसका फव्वारा कहना हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल पर कुठाराघात है, इसीलिए हम असलियत बताएंगे। बीजेपी सांसद इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। हमेशा विद्मीरियों ने ऐसा कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये हमारी देवी देवताओं को लेकर फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और गालियाँ देते हैं। उन्होंने कहा कि आज से नहीं, इनका पूरा इतिहास है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये भारत है, ये हिंदुओं का है, ये सनातन जिंदा रहेगा और सनातन को जिंदा रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम इसे निभाएंगे। वे धर्मी जो हैं वे अपने मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन सनातनी अपने धर्म को स्थापित करना है तो मानवीय हित के लिए करता है। बता दे कि नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफ़ी बढ़ गया था, यहाँ तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। बीजेपी ने इसे लेकर बयान भी जारी किया था और नुपुर के बयान से किनारा करते हुए ये भी साफ कहा गया था कि इस तरह की टिप्पणी पार्टी के मूल विचारों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।